Yes, now next topic is double column cash book. Before that, we have done single column cash book. Single column cash book is known as single column cash book because it has only one column of amount. हमने ये कल भी किया था, अभी भी किया. Only one column of amount is there, that is cash. Now double column cash book, it is known as double column cash book because it has two columns of cash book. Simultaneously we prepare two columns, that is the cash and bank. Debit side में भी है, एक और credit side में भी है. Means हम cash भी साथ में लिख रहे हैं और bank भी साथ में लिख रहे हैं. Otherwise the idea, the concept is same. Receipts, debit side means जिससे हमारा cash balance या bank balance increase हो रहा है. Payments, credit side. Fine. अगर कैश रिसीव किया है तो कैश की डेबिट साइड में, अगर चेक रिसीव किया हो, चेक रिसीव किया हो तो बैंक में. ऐसे ही अगर कैश पे किया है तो कैश क्रेडिट साइड, और चेक पे किया है तो वो बैंक में क्रेडिट साइड. क्लियर? यहां तक क्लियर? ठीक है. चेक के बारे में आपको बताया गया होगा ये चेक है, नहीं बताया गया तो वो कैश. सपोज वो कहता है चेक रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर ए. एंट्री कहाँ आएगी? चेक रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर ए, डेबिट साइड बैंक. डेबिट साइड डेबिट जाके टू मिस्टर ए अमाउंट बैंक में. पेड टू मिस्टर ए क्रेडिट साइड. क्रेडिट साइड बाय क्रेडिट साइड बाय ए कैश अमाउंट. इसमें कैश में या बैंक में? कैश. कैश. Why cash? Why not bank? Because check it is not mentioned. Yes, because it is mentioned paid to Mr. A. When nothing is mentioned, it means it is cash. Paid to Mr. A means cash paid to Mr. A. Received from Mr. A is cash received from Mr. A. Check received होगा तो वो बताया गया होगा. Done? Clear ये बात? ठीक है. अब हमने एक sum किया था, उस सम में ओपनिंग बैलेंसेस गिवन था कैश का. मैंने कल भी आपको ये बताया था परसों भी, कैश का ओपनिंग बैलेंस जब हमने सम स्टार्ट करना है या तो दिया होता है कई बार कैश इन हैंड, टू कैश, कैश इन हैंड, हम उसको ओपनिंग बैलेंस ले लेते हैं. हम यहाँ लिख देते हैं टू, टू व्हाट? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. बैलेंस ब्रॉट डाउन डेट डाल के टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. अब इस सम में बैलेंसेस दो होंगी अगर हुए तो ना, अगर उसने बिजनेस नहीं स्टार्ट किया, उसका पुराना बिजनेस चल रहा है, उसके पास इट मींस कैश बैलेंस भी होगा, उसके पास बैंक का बैलेंस भी होगा. क्लियर ये बात? तो ओपनिंग बैलेंस में टू बैलेंस टोटल कैश की अमाउंट आ जाएगी, बैंक में बैंक की आ जाएगी. टू बैलेंस टोटल एक बार लिखा जाएगा, दो बार नहीं लिखा जाएगा. डन. अब डेबिट साइड क्यों आ रहा है ये कोई बता सकता है मेरे को? व्हाई आई एम राइटिंग कैश एंड बैंक डेबिट साइड ऑफ कैश बुक? यस केतन. So because they are assets. Because they are assets. Assets are good. Bank balance liability भी हो सकता है क्या? So bank loan हो सकता है. नहीं, वो loan तो अलग liability बन गया, उसे कुछ और कहते हैं. हो सकता है, वो आपकी बात ठीक है, लेकिन उसको हम bank loan नहीं कहते, उसको कोई और चीज यूज करते हैं. बोल, पता होना चाहिए आप में से किसी को, टर्म आई हुई है पहले ट्रायल बैलेंस में आई थी, वन ओनली ओवरड्राफ्ट. बैंक ओवरड्राफ्ट. यस, अगर बैंक ओवरड्राफ्ट हो इट मींस वो लायबिलिटी है. कैश कभी लायबिलिटी नहीं होगा भाई. कैश का बैलेंस कभी भी क्रेडिट साइड पे नहीं आएगा ओपनिंग बैलेंस, कैश का डेबिट में ही आएगा हमेशा. कैश हमारी एसेट ही रहेगी. जो बैंक बैलेंस है ना, दैट कैन बी एन एसेट आल्सो, दैट कैन बी अ लायबिलिटी आल्सो. अगर वो बैंक बैलेंस है, एसेट है, तो वो डेबिट साइड में आएगा. सपोज लिखा हो कैश इन हैंड इतना, बैंक ओवरड्राफ्ट इतना, ओपनिंग बैलेंस बैंक ओवरड्राफ्ट, तो इस साइड आएगा. डेट डाल के बाय बैलेंस टोटल अमाउंट बैंक में, फिर हमें दो बार लिखना पड़ेगा, बैलेंस बीडी टू करके और बैलेंस बीडी बाय करके, बिकॉज वो अलग अलग साइड्स पे है. अगर वो दोनों सेम साइड पे होते तो हम बैलेंस बीडी कैश का और बैंक का इकट्ठा ही लिख देते. ठीक है, ये डन. चलू आगे मैं. ठीक है, पोस्टिंग हमने देख ली, रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर ए टू ए अमाउंट कैश कॉलम में, पेड टू मिस्टर बी तो बाय बी अमाउंट कैश कॉलम में, चेक रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर ए टू ए अमाउंट बैंक कॉलम में,
चेक पे टू मिस्टर बी तो बाई बी अमाउंट बैंक कॉलम में की हमने पहले कर लिया, मैंने रिपीट किया, फाइन। अब यहाँ पे जो एक एडिशनल पॉइंट है वो क्या है, दैट इज कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री, नाउ व्हाट इज दिस कॉन्ट्रा एंट्री, लिख लीजिए इसके बारे में एक लाइन। कॉन्ट्रा एंट्री, इट इज दैट एंट्री विच अपीयर्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ कैश बुक। कॉन्ट्रा एंट्री इज दैट एंट्री विच अपीयर्स ऑन द बोथ साइड्स ऑफ कैश बुक। कैश बुक में दोनों साइड आएगी, बिकॉज अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हम कैश अकाउंट भी खोल रहे हैं और हम बैंक अकाउंट भी खोल रहे हैं, एंड ओनली टू कॉन्ट्रा एंट्रीज आर देयर, वन इज कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक एंड सेकेंड वन इज बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। वन एंट्री कॉन्ट्रा एंट्री इज कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक एंड सेकेंड वन इज बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। मे आई नो इसकी ट्रांजेक्शन क्या है, क्या लिखा होगा कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक में? कैश अकाउंट फ्रॉम बैंक और ड्रॉन, अमाउंट बी ड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज और ऑफिस यूज। कौन सी होगी जिसमें एंट्री में एक साइड पे कैश आ रहा है और दूसरी साइड पे बैंक आ रहा है, चाहे वो डेबिट में हो चाहे वो क्रेडिट में। सिर्फ दो ही एंट्रीज हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है, चल गया पता। वहां पे ये लिखा होगा कैश डिपॉजिटेड इन बैंक या फिर कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, पर्सनल यूज नहीं। अगर ना बताया गया हो ऑफिस यूज है या पर्सनल यूज है तो फिर कौन सा यूज है? ऑफिस यूज। पर्सनल यूज का बताया गया होगा, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक इज इक्वल टू कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, अगर कहा गया है पर्सनल यूज फिर बात अलग है, फिर ड्रॉइंग्स अकाउंट खोलते हैं। नाउ द पॉइंट इज कॉन्ट्रा एंट्री की पोस्टिंग कैसे करनी है कॉन्ट्रा एंट्री, हाउ टू पोस्ट दिस। हम इसकी एग्जांपल ले रहे हैं कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब ये एंट्री जो है कैश बुक में दोनों साइड से आएगी, डेबिट में भी आएगी क्रेडिट में भी आएगी, हमने ये मीनिंग में लिख लिया। इसको पोस्ट करने का सिंपल वे, टू क्या लिखा है, टू स्टार्ट आपने यहाँ से करना है, टू मतलब क्या लिखा हुआ यहाँ पे, टू बैंक लिखोगे टू बैंक, दूसरा क्या है बाय कैश, बाय कैश ऐसे आएगी एंट्री, टू से स्टार्ट कर लेगा टू बैंक बाय कैश। और सेकंड पॉइंट, जब पर्टिकुलर्स में बैंक आएगा अमाउंट कैश में आएगी और जब कैश आएगा अमाउंट बैंक में आएगी, बिकॉज हम अपोजिट लिखते होते हैं, लेजर याद है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, हम कैश अकाउंट लिखते क्या है टू कैपिटल, याद है, और कैपिटल में क्या लिखते हैं बाय कैश, बिकॉज पर्टिकुलर्स में अकाउंट ऑपोजिट आता होता है। अब देखो उसने क्या कहा, उसने कहा कैश डेबिट टू बैंक, इसका मतलब क्या हुआ, कैश ये बैंक से निकाला था तभी ये एंट्री हुई, इट मीन्स हमारा कैश बैलेंस बढ़ा और हमारा बैंक बैलेंस कम हुआ तभी एंट्री हुई। कैश बढ़ा, कैश की रिसिप्ट, ये देखिए कैश में रिसिप्ट साइड आ गया, बैंक कम हुआ बैंक में पेमेंट साइड पे आ गया, और अकाउंट ऑपोजिट। अब इस एंट्री को बताने के लिए कि ये कॉन्ट्रा एंट्री है, वी पुट सी साइन इन द लेजर फोलियो कॉलम बोथ साइड्स, टू बैंक सी साइन इन लेजर फोलियो कॉलम, अमाउंट कैश में बाय कैश, सी साइन इन बैंक लेजर फोलियो कॉलम, अमाउंट बैंक में। हमने स्टार्ट कहां से किया, स्टार्ट किया है टू से, ठीक है, आप दो चार सम ऐसे करो यहाँ से स्टार्ट करके फिर चल जाना पता है आपको, फिर आपको ऐसे स्टार्ट करने की जरूरत नहीं पड़नी, वैसे ही आपको चल जाएगा मतलब कैश की रिसिप्ट है बैंक की पेमेंट या कैश बैंक की रिसिप्ट है कैश की पेमेंट। डन, हमने स्टार्ट कहाँ से किया, टू बैंक, टू वाली साइड कौन सी है डेबिट, टू बैंक, दूसरे वाला बाई कैश। जब अमाउंट, जब पर्टिकुलर में बैंक है अमाउंट कैश में है, जब पर्टिकुलर में कैश है अमाउंट बैंक, और दोनों साइड आपने सी साइन डालना है, सी डिनोट्स दैट इट इज अ कॉन्ट्रा एंट्री। डन, नाउ हेल्प मी इन पोस्टिंग दिस एंट्री, सेकंड कॉन्ट्रा एंट्री, हाउ कैन आई पोस्ट दिस, स्टार्ट फ्रॉम टू,
टू कैश बैंक इधर बाय बैंक अमाउंट डालिए ये वाली हमारी कैश वाली बैंक साइड कैश में बैंक बैंक वाली बैंक साइड कैश एक स्टेप और एक और स्टेप पोर्टफोलियो में सी कंट्रा एंट्री पोर्टफोलियो में सी साइन आएगा वहां पे व्हिच डिनोट्स दैट दिस एंट्री इज कंट्रा एंट्री मींस दैट एंट्री इज बीइंग रिकॉर्डेड ऑन द बोथ साइड्स ऑफ कैश फाइन अब जब हम बैलेंस करेंगे इसको एट द एंड जब हमने बैलेंस करना है कैश अकाउंट में से कैश माइनस कर दिया जाएगा बैंक में से बैंक माइनस कर दिया जाएगा सपोज कैश का टोटल यहाँ पे आ रहा है 100 और यहाँ पे आ रहा है सपोज 80 डिफरेंस इस साइड आ रहा है इसको लिखेंगे बैलेंस कैरी डाउन रुपीज 20 100 टोटल यहाँ हो गया और 100 यहाँ आ रहा है बैंक का प्लस करेंगे सपोज बैंक का आ रहा है यहाँ 500 और यहाँ आ रहा है 400 तो बाय बैलेंस सीधी इसी में लिख लेंगे 100 500 टोटल जैसे हम लेजर अकाउंट को बैलेंस करते थे या जैसे हम कैश बुक सिंगल कॉलम जो हमने करी थी परसों उसको बैलेंस कर रहे थे बस यहाँ पे डिफरेंस ये है कि दो कॉलम्स है दोनों कॉलम्स को आपने अलग अलग बैलेंस करना है कैश का बैलेंस निकालने के लिए सिर्फ कैश का प्लस माइनस किया जाएगा बैंक निकालने के लिए सिर्फ बैंक का प्लस माइनस किया जाएगा सेकेंडली जो बैलेंस सीधी है अगर वो दोनों का इस साइड आ रहा है तो एक बार में ही लिखना है जैसे हम लोग बैलेंस बीडी एक बार लिखना है अगर बैलेंस सीधी अलग अलग आ गया मीन्स कैश इस साइड है बैंक का इस साइड आ रहा है फिर आपको दो बार लिखना पड़ेगा टू बैलेंस सीधी बैंक के लिए और बाय बैलेंस सीधी कैश के लिए जो साइड छोटी आ रही है उधर आपने बैलेंस सीधी जो है वो लगा देना आई होप आई एम क्लियर है ना यस सर अभी इसमें एक पॉइंट पड़ा है करने वाला इसलिए मैं आपको सम बात कर देता हूँ जो सम्स आप कर सकते हो है ना उसमें वो जो पॉइंट रहता है हमारा करने वाला पहले आप सिंपल सम्स कर लीजिए कॉन्ट्रा एंट्री वाले उसके बाद एक पॉइंट छोटा सा और आएगा वो आने के बाद हमारी डबल कॉलम कैश बुक जो है वो कम्प्लीट हो जाए ठीक है इससे पहले आपको सिंपल सम्स करने पड़ेंगे एक आपका है सम नंबर 5 जो इससे हो जाएगा सम नंबर 7 इससे हो जाएगा सम नंबर 9 भी इससे हो जाएगा 5, 7, 9 चलो अब ये दो तीन सम कर लेना ये इससे हो जाएंगे और जो एक पॉइंट रहता है हमारा करने वाला जब आप ये तीन सम्स कर लोगे तो वो वाला पॉइंट भी हमारा जो है वो हो जाएगा नाउ कम विद द डाउट्स प्लीज तीन सम्स के साथ आपके सारे पॉइंट्स जो हमने डिस्कस किए हैं सारे क्लियर हो रहे हैं बस सारे पॉइंट्स भी आ रहे हैं यस जैस्मिन सर आपने लास्ट में एक पॉइंट बताया था कि जब हमें दो बार बैलेंस बोरो डाउन कैरी डाउन जब लिखना है वो कब लिखना है लेकिन बताता हूँ यहाँ पे क्या था जो एग्जांपल हमने ली है यहाँ पे दोनों में बैंक और कैश की डेबिट साइड बड़ी आ रही है मीन दोनों का बैलेंस शीट इधर आ गया ठीक है बैलेंस शीट एक बार लिखा जाएगा दोनों का बैलेंस शीट निकाल के टोटल लिख दिया जाएगा ठीक है ये ठीक yes, sir. इन केस जब हमने प्लस किया तो इधर टोटल आ रहा है बैंक कॉलम का 500 इधर आ गया 600 अब साइड छोटी कौन सी आ रही है बैंक की सर डेबिट छोटी आ रही है हम यहाँ डेबिट पे लिखेंगे बैंक का बैलेंस सीधी रुपीज 100 और इसको 600 कर देंगे कैश का बैलेंस कभी भी इस साइड नहीं आ सकता क्लोजिंग बैलेंस कैश विल ऑलवेज बी हैविंग डेबिट बैलेंस ऑलवेज कैश का डेबिट बैलेंस When I say debit balance, it means कि debit side is bigger than credit side. है ना? Debit side is bigger. Which side is bigger? That is the balance. Cash का हमेशा debit balance आएगा. Means debit side बढ़ी जाएगी. Closing balance इधर आएगा. Closing balance यहाँ आ रहा है. It means debit balance है. क्योंकि debit side ज़्यादा थी. Bank column का balance debit भी आ सकता है, credit भी आ सकता है.
पिछली एग्जांपल ली, जब यहाँ पे 100 रुपीज आए थे तो वो डेबिट साइड था, डेबिट बैलेंस था। यहाँ पे एग्जांपल ले रही है, यहाँ टोटल था बैंक का डेबिट में 500, क्रेडिट में था 600, तो जो बैलेंस है आपका वो डेबिट साइड पे आ रहा है, विच मीन्स क्रेडिट बैलेंस है 100 रुपीज का, बिकॉज जो साइड छोटी होगी वही बैलेंस लिखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अलग अलग बैलेंस आ रहे हैं, इसलिए हमें दो बारी बैलेंस लिखना पड़ेगा, कैश का इधर आ जाएगा, बैंक का इधर आ जाएगा। जैसे ओपनिंग में था कि देखो कैश का ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे है और बैंक का ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है, दो बार लिखना पड़ा। अगर दोनों बैलेंसिंग सेम साइड पे हो, एक बार ही बैलेंस लिखना पड़ेगा, तो दो बार ही लिखना पड़ेगा, दो बार तब लिखना पड़ेगा अगर वो बैलेंस अलग अलग साइड पे है। जस्मी, आई होप आई एम क्लियर। यस सर। एनीबडी एल्स जिसको ये पॉइंट ना क्लियर हुआ हो? एक्सक्यूज मी सर, सर इसमें हम बैलेंस ब्रॉट डाउन नहीं लिखेंगे? इसमें बेटा, इसमें सर, इसी में? यस सर। नहीं बेटे, जब क्लोजिंग बैलेंस निकालते हैं वो कैरी डाउन ही होता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द साइड, इररिस्पेक्टिव ऑफ साइड। ये जो बैलेंस है अब ये ओपनिंग बनेगा इधर जाके, जो कि बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 100 इधर आएगा और ये वाला इधर आएगा 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन रुपीज 20, ऐसे आएगा बैलेंस ब्रॉट डाउन दिखेंगे। क्लोजिंग बैलेंस जो है वो कैरी डाउन ही होगा, चाहे वो डेबिट साइड पे हो चाहे वो क्रेडिट साइड पे हो। जब उसको हम ब्रॉट डाउन करेंगे देन इट विल बी ओपनिंग बैलेंस, तब इसको बीडी लिखेंगे, बैलेंस ब्रॉट डाउन। अश्विंदर थी, अश्विंदर पूछ रही थी ना? यस सर। क्लियर है बेटा? यस सर। ठीक है जी, चलिए मैम प्लीज एंड द मीटिंग। सुनी मैम? ओके सर, ओके। थैंक यू।